हाँ मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। हैं? मुझे किस बात की, मैं तो तुम एफए में पास होने की मुबारकबाद दे रहा था। मैं भी आपको अपने पास होने की मुबारक दे रही थी। आपको मुबारक हो कि मैं आपके पास हूँ। मैं एक सहाफी हूँ। सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। बात को इधर उधर करके घुमाओ मत। बात को मैं नहीं तुम घुमाओ। अगर तुम सच्ची और पक्के सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। तुम झूठे हो, तुम्हारी ये रिपोर्ट झूठी है। तुमने माल खाया है चची से और तुम सबके सब मिले हुए हो। ये हॉस्पिटल भी, पुलिस भी, वकील भी और मीडिया भी, लानत हो तुम सब पर। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को इस घर की नौकर नहीं समझती बल्कि इसे अपना घर समझती हूँ। कहाँ लेके जा रही हो, अभी तक मैंने एक सिप भी नहीं ली। ठंडी हो गई है, गरम करके लाती हूँ। हरामखोर है वो, लाशों के सौदे करता, कफन बेचता उनके। उस बेचारी को क्या पता कि वो क्या सब पता है इसे? सब पता है इस बेचारी को, उसी हॉस्पिटल में नौकरी करती है ये। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको पता ना हो। हाँ जानती हूँ कि क्या करता वो। क्या जानती हूँ? वो जब जानती हो तो उसे घर में क्यों घुसा लियो? बोलो। शौहर है वो मेरा, एक साल हो गया हमारे निकाह को। ये क्या कह रही है तू? वो क्या कह रही है ये? गोली मार लूंगा खुद को। क्यों? तू क्यों गोली मारेगा खुद को? क्योंकि मैंने गुनाह की बजाय निकाह कर लिया इसलिए गोली मार लिया। एक साल से छुपा रखा था हमसे। अच्छा समझ में आया। रात को ड्यूटी के बहाने उस हराम घोर के घर पे ड्यूटी दे दिया ना तुम। ये काम हो रहा था वहां पे, ये काम हो रहा था। वो हराम खोर है तो तू कौन सा हलाल खोर है बेटा? मेरी कमाई से ऊंट जितना कर निकाल के खड़े है मेरे सामने। गधे की तरह दिन रात मेहनत करके मैंने पढ़ाया तुझे। जा, जा, तेरे बोले में बची है कोई मेरी आमों में? सबकी शादियां हो गई, चार चार बच्चे हो गए सबके। अभी भी तुम दोनों के साथ यहाँ खड़ी हूँ। कोई एहसान नहीं जताया मैंने, एक दाना नहीं दिया मैंने तुझे। और देख आज तू हाँ मुझे आगे दिखा रहे, मेरे करदार पे उंगली उठा रहे, मेरे करदार पे उंगली उठा रहे, मुझे हराम खोर कह रहे, मुझे हराम खोर कह रहे मुझे। मैं तुम्हें नहीं, मैं उसे कह रहा हूँ। किसे कह रहे तू? रात को ड्यूटी करने के बजाय कहीं और ड्यूटी करने मैं जाती थी। हाँ मुझे कह रहे तू? मेरा सब ये काम मत समझाओ इसे। मुझे नहीं तुझे समझाने की जरूरत है और आज मैं तुझे समझा के रहूंगी। चल 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 भाई चल। जीसी साहब रिपोर्टिंग सर। कैरी ऑन जेंटलमैन। फर्स्ट टर्म खत्म हो गया सर, जिसकी खुशी में एक महीने की छुट्टी अता की गई है सर। एकेडमी ने कहा है कि जा बेटा ऐयाशी कर और अपने घर वालों को इतना तंग करना कि वो जूते मार के तुम्हें वापस भेजे सर। एक महीना यानी 30 दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं वापस चला जाता हूँ सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप मजाक कर रही है सर लेकिन मैं बाकी चला जाऊंगा। बिल्कुल चले जाए। अगर ऐसी बात है सर तो मैं नहीं जाता, अब यही आपके सामने इस घर में धनधनाता फिरूंगा। जोकर, oh, I missed you so much. I missed you too. आये मेरा प्यारा बेटा, आओ। बताओ, कैसा चल रहा है? चलो अब मैं तुम्हारी खातिरें करूं। क्या खाओगे? Anything, anything.
मौसम अच्छा है ना? तुमसे कम अच्छा, तुम सबसे अच्छे हो। कोई और होता तो कब का मुझे माँ बाप के घर छोड़कर कहता, संभालो बीमारियों की पोटली को। बच्चे स्कूल चले गए? हाँ छोड़ आए। मुझे भी छोड़ दो, जाने दो, तंग आ गई हूँ मैं इस कैंसर से। पागल जैसी बातें मत करो। हाँ, इतने लाखों रुपए इस लाश पे लगा रहे हो। अच्छा सुनो, मैं जब मरूंगी तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा जनाजा रखना। मैं नहीं चाहती कि बच्चे मुझे जाता देखें। मत करो ऐसी बात, अल्लाह के हुक्म से तुम एक दिन जरूर उठोगी। मुझे लगता है मेरा उठने का वक्त आ गया है, इसलिए मैं ये सब कुछ कह रही हूँ। गुजाला को घर ले आओ ताकि बच्चे उससे मानूस हो जाएं। मेरे जाने के बाद उनको कोई कमी महसूस ना हो। मुझे गजाला से कुछ बातें करनी है, तुम उसे लाओ ना। कल का कोई भरोसा नहीं, काम वाली होगी। रजिया कैसे हो? अभी तुम्हारे ही बारे में बात करी थी लियास से। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, मैं अम्मा और भाई को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? बहुत काम खराब है, बस दुआ करो मौत की सख्ती ना आए, नींद में ही मर जाऊं। बहुत तकलीफ में हूं, अल्लाह तुम्हारे भाई को लंबी जिंदगी दे। अल्लाह तेरी तकलीफें दूर करे बेटा। आमीन आमीन। आज तक इस आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं इसके साथ रहूं या इसकी बीमार बीवी की खिदमत करूं, बल्कि ये खुद इस घर का सारा काम करता है। तुम जानते हो कि मैं इसकी इतनी इज्जत क्यों करती हूं? क्योंकि जिस आदमी ने आज तक अपनी बीमार बीवी को नहीं छोड़ा ना, वो मुझे भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसे तुम हरामखोर कह रहे थे, इससे ज्यादा असूली और जबान का पक्का आदमी मैंने कभी नहीं देखा। एक साल हो गया हमारे निकाह को, मेरा खुदा गवाह है, आज तक एक रात भी नहीं गुजारी मैंने इस घर में। बस यही सोचती रहती हूँ कि अभी मुझ पर अपने छोटे भाई की और अम्मा की जिम्मेदारी बाकी है, अभी रुखसती नहीं हुई। अगर मुझे ये पता होता ना कि मुझे ये सिला मिलेगा तुमसे, तो मैं कब की आ गई होती? तुम इस तकरीर से किसी और के सामने अपने शौहर को दुनिया का अजीम तरीन इंसान साबित कर सकती हो, मेरे सामने नहीं। रिश्वत ली है इसने,
50,000 की तनख्वाह में कैंसर के मरीज का इलाज करा के दिखाओ इस मुल्क में। पिछले 3 साल में घर बिक गया इसका। ये कोई जवाज नहीं है आपकी। ठीक कह रहे, ये कोई जवाज नहीं है, लेकिन अपने प्यारों को बचाने के लिए इंसान कुछ भी करता है। अच्छा, तो जिसके कत्ल को आपने हादसा बना दिया, वो भी तो किसी का प्यारा था। जिनका प्यारा था वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही जज्जी पहलवान से 50 लाख में राजीनामा कर लिया था। अपने प्यारे की लाश का सौदा करके आगे बढ़ गए वो। हम सब इस सिस्टम के डसे हुए हैं। अगर ये सिस्टम मुझे मेरी बीवी का मुफ्त इलाज करवा देता तो आज मैं हराम खोर ना होता। ओए मुंशी। हाँ जी। क्या हो गया? मौसम भी ठीक है, वक्त पर स्प्रे भी किया था, फिर भी फसल क्यों नहीं कद निकाल रही? अब तक तो कमर तक आ जानी चाहिए थी। चौधरी जी, बिजली ने मस मार दी है। 1 घंटे बिजली आती है तो 3 घंटे बंद रहती है। अब तो ट्यूबवेल वालों ने भी पानी देना बंद कर दिया है फसलों को। मेरी मानो तो डीजल वाला इंजन दोबारा लगवा लो, नहीं तो इस बिजली ने बेड़ा गर्क कर देना खेतों का। डेरे पर एक इंजन पड़ा है ना, लगा लो उसे। वो नाकारा है, किसी काम का नहीं है। वो तो खेत में इतना पानी भी नहीं देता जितना वो खुद डीजल पी जाता है। ये किसकी फसल है? अपनी ही समझो। अच्छा, कद निकाल रही है। हेलो, मैं बोल रही हूँ, आपकी रानी। ओ, मेरा नंबर कैसे मिला तुम्हें? जिसको आप मिल जाए उसको आपका नंबर भी मिल ही जाता है। आप मसरूफ तो नहीं है ना, बात हो सकती है? हाँ, बात हो सकती है 2-4 मिनट, उसके बाद मसरूफ हो जाऊंगा। कोई बड़ी मसरूफियत है? शिकार पे आया हूँ। किसका? मछली का। जब रानी जैसी जलपरी ही आपकी जाल में फंस चुकी है तो ये मासूम मछलियों का शिकार करने की क्या जरूरत है? अब देखिए ना, सारा दिन धूप में सड़ेंगे और हाथ में क्या आएगा, 2 मछलियां। इससे बेहतर नहीं है बाजार जाएं, मछली लें और खा लें अगर इतना शौक हो रहा है। सुनो, अभी कुछ लोगों के साथ हूं, बाद में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, बाद में बात कर लेंगे। बस मुझे इतना बता दें कि हमारी मंगनी कब होगी? इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है तुम्हें? जल्दी नहीं है, मैं तो बस अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रही थी। मुझे कुछ करीबी दोस्तों को इकट्ठा करना है, सब इधर उधर हुए हैं अभी। जैसे एक जगह जमा हो जाएंगे मंगनी भी हो जाएगी। असल में इतनी बड़ी खुशी के मौके में मैं उन्हें शामिल करना चाहता हूँ। तो ये दोस्त कब तक इकट्ठे हो जाएंगे? बताता हूँ, 1-2 दिनों में। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप जाएं शिकार करें और मैं इंतजार। और सुने। हाँ बोलो। मैंने अपनी पिक भेजी आपको व्हाट्सएप पे, जरा चेक तो करें और फिर वैसे ही मुझे भी सेंड कर दे। और सुने, बहुत धूप है आज तो सनब्लॉक लगा के घर से निकलेगा, कहीं आपकी गालों की लाली काली ना हो जाए। एक आखिरी बात, बस अपने दोस्तों को जरा जल्दी बुला लीजिएगा ताकि मुझे भी खुश होने का मौका मिल जाए। बहुत उदास हो गई हूँ मैं आपके बगैर। अब तो ये हालत हो गई है कि बैठे बैठे आपके ख्यालों में गुम हो जाती हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहती, तुम हो जाती हूँ। ठीक है, अल्लाह की अमान, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मेरी जान तुझ पर तेरी माँ सदके, मेरी जान सदके, पूरा पाकिस्तान सदके। बहुत काम था यार आज, अभी जाके फ्री हुई। पता है अभी निकल रही हूँ हॉस्टल के लिए, और वैसे अभी मैंने तुम्हारा मैसेज देखा है। सॉरी, मैं परेशान हो रहा था कि तुम कहाँ गुम हो गई हो, कब आ रही हो इस्लामाबाद? तुम कब तक हो? मेरी तो 1 महीने की छुट्टी है। और मेरी 1 महीने तक कोई छुट्टी नहीं।
कोशिश करूंगी एक दिन के लिए घर आ ही जाऊं। आओगी तो अच्छा हो जाएगा, मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा गेस करो कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। गेस नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम इस वक्त उसी पार्क में हो जहाँ पहली दफा मिले थे। लैला मजनू के जमाने से यही तो हो रहा है, लड़के हमेशा वहीं जाते हैं जहाँ लड़की से पहली दफा मिलते हैं और वहाँ जाके फिर उसे मिस करते हैं। बस एक बात बताओ, तुम लड़के इतने प्रेडिक्टेबल क्यों होते हो? तुम इतनी स्मार्ट नहीं हो जितनी तुम बनती हो। मैं पार्क में नहीं, अपने घर में हूं। जी बाबा जी, आ रहा हूं आ रहा हूं। अच्छा वो बाबा बुला रहे हैं तो थोड़ी देर में कॉल करता हूं, ठीक है? ओके ओके बाय। हेलो, कैसा है तू? ठीक हूँ। मंगनी कर रहा हूँ। अच्छा पता फारे कब होगा? एक महीना। डन, चलो जब फाइनल हो जाए तो बता देना। मैं परसों लाहौर जा रहा हूँ, लॉरेंस से शारे का पता भी मालूम कर लिया है, उसको भी पकड़ के लाता हूँ, फिर मिलते हैं चारों। हाँ मुझे भी मिलना है तुझसे। ठीक है मिलते हैं। अल्लाह रजिया को इस तकलीफ से निकाले, अगर उसके मुकद्दर में शफा लिखी है तो जल्दी शफा दे दे उसे, अगर नहीं है तो उसे इस आजमाइश से निकाले। डॉक्टर क्या कहते हैं बेटा? डॉक्टर तो जवाब दे चुके हैं अम्मा, बस कुछ दिन ही बचे हैं। बेटा जो तूने किया मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, और जो तुमने हम दोनों के लिए किया वो तेरा फर्ज नहीं बनता था। मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे पाला है, अल्लाह भला करे तेरा। पता नहीं मैं गुस्से में आज क्या कुछ बोल गई हूँ माँ, अगर आपका दिल दुखा है तो मुझे माफ कर दें। नहीं बेटा, अच्छा किया तुमने शार्क को कहा, अब देखो ना वो कुछ ना कुछ गैरत खाएगा और कोई काम करेगा। नहीं अम्मा, मैं नहीं चाहती वो कोई काम करे, मैं चाहती हूँ वो बस पढ़े कुछ बन कर दिखाए, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। देख बेटा, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता है, सारी दुनिया करती है, और उसका दिमाग तो कई लड़कों से बहुत अच्छा है, अल्लाह उसे कामयाब जरूर करेगा। तुम ऐसा करो, उसकी फिक्र छोड़ो, अपने घर को संभालो। बेटियों के घर आबाद होना तो माँ बाप के कलेजे ठंडे रहते। हेलो, अजीब रुखसती थी यार, एक औरत का जनाजा निकल रहा था और दूसरी औरत उसके बच्चों को गोद में छुपाए बैठी थी। क्या मजाक बनाती है जिंदगी इंसान का, सारी उम्र इसे बेवकूफ बनाती है। कसम से सारे किस्से ने मुझे हिला के रख दिया है। जब आप ही खुश हैं तो बेटा तुझे हिलने की कत्तन कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो अपने घर सेटल हो गए, तू भी सेटल हो जा। सही कह रहा है,
बीए के बाद बस मैं जर्नलिज्म करूंगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन करूंगा। ये ले बात कर, शहरयार है, कहीं मैं गाड़ी ना ठोक दूं। हाँ पार्टनर। हाँ लाले, कैसा है? बिल्कुल फिट, तू सुना? लगता है मलिक साहब ने आखिर ढूंढ ही निकाला तुझे। हाँ यार, बस निकाल ही लाया ये वहां से मुझे, शेर का बच्चा। स्पीकर ऑन करना। और सुना कैसा है? बहन, ये सारे सवाल बाहर जाके पूछ लेना, फिलहाल बता सादे ने कंफर्म किया? हाँ उसने कंफर्म कर लिया, सब रेडी है। तुम लोग कब पहुँच रहे हो रेस्टोरेंट? बस कोई 3 घंटे में पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद इंशाल्लाह। बेस्ट हो गया, मैं भी कॉलेज से निकल रहा हूँ, घर जाऊंगा, चेंज करूंगा, सीधा वहाँ पहुँचूंगा। अच्छा यार बात सुन, प्लीज देर ना करना, मुझे वापस लाहौर भी पहुँचना है। ओके। अबे डरपोक, अभी तू पहुँचा नहीं है, वापस जाने की बातें कर रहे है। आ तो जा पहले। पहुँच रहे है, पहुँच रहे है। तू ऐसा कर, अपनी लोकेशन भेज, तुझे पिक करते हैं फिर सादे को। हाँ नहीं, मुझे पिक कर लेना, उसने बोला था वो खुद आएगा रेस्टोरेंट। ओके खुदा हाफिज। ओके बाय बाय। हटाना फोन, क्या कुछ झेड़े मुंह में। सॉरी, कोई म्यूजिक म्यूजिक नहीं है क्या? हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। बता कैसा है फौजी? ठीक हूँ, तू बता, सब सेट है? सब सेट है, लाइफ भी, और अब तो भाभी भी सेट हो गई भाई से। तेरा वेट कर रहे थे, कब तू छुट्टी पर आएगा, फिर हम भाई की मंगनी पे सारे धमाले डालेंगे। ओए मंगनी है मेरी, कोई उर्स वुर्स नहीं है जो तू धमाले डालेगा। हाँ कंट्रोल कर अपने जज्बात को। तू बता पीएमए कैसा चल रहा है, मिस करता है मैं? और सबसे जरूरी बात, वहां बंक मारने की सहूलत दस्तयाब है या नहीं? सब कुछ है। अच्छा ये बता तुम लोग लोगे क्या? हैं? लोगे क्या, कुछ मिलता भी है? इतना सन्नाटा है यहाँ पे, मुझे बहुत भूख लग रही है। सब कुछ मिलता है, मेन्यू तो देख। मेन्यू तो देख लेंगे, पहले तू ये बता तू फ्री कब है? 2 दिन चाहिए तेरे। क्यों? अरे भाई मंगनी कर रहा है तेरा। हाँ तुम तीनों मेरे मेहमान बनोगे, बता अगले हफ्ते डन करें। किससे कर रहा है? ए? माशाल्लाह माशाल्लाह। तू भी कुछ बोलना भाभी किसान में, क्या सोच रहे? सोच रहा हूं कि बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि दिल चाह रहा है उसके घर पहुंच के उसका रिश्ता मांगी। ये तो क्या कह रहे हैं यार? इससे पूछ जिसे भाभी भाभी कहता था, अपनी फैमिली लेकर उसके घर पहुंच गया रिश्ता मांगने के लिए। इतनी से भी शर्म नहीं इस मुनाफिक आदमी को, और इतना बड़ा धोखा देने के बाद मैं तो हैरान हूं कि मेरे सामने आ गया। सो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मैं तुझे सब समझाता हूं। क्या समझाएगा तू मुझे यार? हाँ इसकी बगैरती का क्या लॉजिक है? लॉजिक हो ही नहीं सकती, और अगर होती मैं नहीं मान सकता। पढ़ लिख दर्जे का घटिया आदमी है ये। तू अपनी बकवास बंद करेगा तो मैं कुछ बोलूं क्या? तेरे पास कहने को है ही क्या? बहुत कुछ है, पर पहले तू अपना ये फौजी भरम तो खत्म कर। सर मेरा भरम खत्म हो या ना हो, तेरी शर्म तो खत्म होगी है, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। तूने जो मुझे धोखा दिया है ना, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। साथ मेरी बात सुन साथ यार।
समय में जा रहा हूँ। मैंने खाना रखवा दिया, प्लीज रास्ते में खाते जाना। मैं कौन सा कराची जा रहा हूँ, साथ ही तो है अहमदाबाद, भूख लगेगी तो खा लूंगा, मैं बस में किसी को खिला दूंगा। ठीक है, क्या हुआ? Is something the matter? No, I'm fine. चलो चलो जाओ, बस में सो गई तो लोकल कोचों में तुम्हें बुखार होना पड़ेगा। गो, फोन करते रहना। मेरी तौबा जो मैं आपको फोन करूंगा, मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया था आपने। अच्छा, प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगी। और मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। हाफिज। पठान आसान बाश पठान और चार बड़ी क्या चुबत कहाँ से बन आसाब अलाउट इधर हैं आप अबर आप सांस्टल क्यों लेटे आप साब स्टाफ वो क्या वो आपके वजह से पूरी पलटून को पनिशमेंट होगी अबर आप मिले उधर बीच में अबर आप साब मैं आज आपको बताऊंगा सब क्या फालन से कैसे लेट होते हैं तमाम से बन वन पे अंचेस टू पे लेबेक थ्री पे खड़े होंगे अरे बंद सब हरकत तेज करें हरकत तेज करें तुम्हारे सवाल अरे टू सब अरे थ्री सब अरे बंद सब अरे टू सब अरे थ्री सब मास्टर हैदर साहब मैं आपको खत लिखूं प्रॉपर पनिशमेंट करने के लिए अरे बंद सब अरे टू सब अरे थ्री सब स्टैंड स्टिल तमाम से बना पुशअप डाउन होंगे वन के साथ नीचे टू के साथ ऊपर अरे बंद हरकत तेज करें अरे बंद अरे ठीप अरे बंद अरे ठीप अरे बंद ठीप बंद ठीप बंद ठीप बंद ठीप बंद ठीप बंद ठीप तुझे एक बात बताऊं, किसी को बताएगा तो नहीं? खुदा के लिए यार चुप करके पढ़ाई कर, तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से ना फर्स्ट टर्म में मेरे मार्क्स कम आए थे और मैं हारिस के पीछे रह गया, इसलिए वो आजकल आंखें दिखाता रहता है मुझे। हारिस की ये बात बतानी है यार तुझे। क्या बात है? पता नहीं, अब मुझे बतानी भी चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे जब्त नहीं हो रहा, मुझे लगता है उसके साथ कोई इशू है। इशू उसका नहीं है, इशू तेरा है कि हर बात करने से पहले तू सस्पेंस बढ़ाता है। बताना है तो बता, नहीं बताना तो चुप करके पढ़ाएगा। यार मैंने उसे रोता देखा है। बकवास ना कर। अल्लाह की कसम। कब कहां? कल मैं कमरे में आ रहा था तो अचानक मेरी नजर फोन बूथ पर पड़ी। Gentlemen, character is the set of qualities that a person possesses. One of those qualities is integrity. So can anyone tell me, what do you understand by integrity? Yes, Saad? Sir, I would define integrity as the quality of being virtuous and having strong moral and principled values. Correct. Having strong moral values. And just to add on, integrity is not something that you show others. It is something that how you behave without them knowing. Haris? Haris? I hope everything is fine. Yes, sir. What is the difference between self-discipline and enforced discipline? Yes? I hope everything is all right. Sit down and pay attention to the class.
रोड चक्कर तैमूर सर। बाय द वे प्लटून कैसी चल रही है आपकी? सर प्लटून तो ठीक जा रही है लेकिन हारिस की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है जो एक्सपेक्टेशंस मेरी उसके साथ फर्स्ट टर्म में थी और सेकंड टर्म में हैं वो उस पर अभी तक पूरा नहीं उतर पाया। सर जो उसने स्पार्क फर्स्ट टर्म में दिखाया था वो अभी तक नहीं दिखा पाया, खोया खोया सा रहता है सर। आई थिंक ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम। बात करके देखिए आपने उससे? सर मैंने उससे बात की है लेकिन वो अभी तक खुल के मुझे बता नहीं पाया कि क्या प्रॉब्लम है। उसके प्लटून मेट से बात करके देखें, इंटरव्यू देम, मे बी यू फाइंड समथिंग। राइट सर, आई विल वर्क ऑन इट। It's the New Zealand they were unbeaten so far in this World Cup. World Cup is alive for Pakistan, and they know it. It's not. Yes. आजा अंदर। आजा आजा। हाँ क्या कर रहा है? तेरी टीम जीत रही है और तुम यहाँ बैठ के किताबें पढ़ रहे हो? जीतने दो यार, मेरा क्या लेने देना हार जीत से। अच्छा चल यार नखरे ना कर, आखिरी ओवर चल रहा है, मैच भी फंस गया है। कम ऑन। मैं भी मुझे मालूम है इसलिए यहाँ तुझसे बात करने आया। कौन सी बात? वही तो तेरे अंदर फंसी हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब सब ठीक है। पता तू जब से वापस आया ना तेरी जगह कोई और आया है। तू वो फर्स्ट टाइम वाला हारिस नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है। कौन हो तुम? मेरे पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है, दोनों खानदानों के शैतान इस आग को लगाकर इस पर अपने हाथ ताप रहे हैं और मैं इसी आग में चल रहा हूं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? फाइन सर। तुम उधर क्या कर रहे हो? सर मैं हारिस से मिलने गया था। क्यों? ठीक है फरजाना बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। क्या कह सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसमें नाराजगी वाली क्या बात, जब मर्जी आओ पहना जाओ अंगूठी। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? कहा था ना मत दिखाओ इतनी फुर्तियां, मत करो इतनी जल्दी। शाज़ेन की माँ को दो चार बार आने दो फिर कहीं जाकर हाँ करो। लेकिन नहीं, तुम बाप बेटी तो मुझको पागल समझते हो ना, अब भुगतो। क्यों, क्या हुआ है? शाज़ेन की माँ सादगी से मंगनी करना चाह रही है। सादगी से? अम्मा मैं रानी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ कि बस ऐसे ही हो गए मंगनी। मुझे ऐसी मंगनी करनी है जो पूरे इलाके में सब देखें। मेरी इज्जत का सवाल है, कोई छोटी बात नहीं है। मैं करती हूँ शाज़ेन से बात। शाज़ेन ने ही कहा है सादगी से मंगनी करो। अच्छा, तो सही तो कह रहे हो अम्मा, सही बात है। वैसे भी इस्लाम में सादगी का हुक्म दिया है ना। हाँ तो सादा रहा करना, हर रोज तो तेरी सहेली तुझे मेकअप करने आती है। अम्मा
शरीयत जेब व ज़ीनत की इजाजत देती है और औरत का पैदाइशी हक है मेकअप करना। मैं भी औरत हूँ, को हाजी रब नवाज नहीं हूँ, मुझे भी सजने संवरने का हक है। मैंने तो सोचा था कि तेरी मंगनी पे अपने सारे जेवर पहनूंगी, सुर्खी पाउडर लगाकर सजूंगी संवरूंगी और शरीकों के कलेजे पे ठा करके लगूंगी, लेकिन शाहजेन की माँ ने तो मेरे तमाम प्रोग्रामों पे पानी फेर दिया। अच्छा अच्छा अम्मा, शादी पर अपने सारे प्रोग्राम और ख्वाहिशें पूरी कर लेना, जब वक्त आएगा तो। शाहजेन की माँ की मंगनी पर लाहौर से बंदियां मंगवाई थी मलक अलायार ने, 3 दिन तक ठुमके लगते रहे गांव में। हाँ, मुझे तो लगता है कि शाहजेन की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसीलिए खामोशी से मंगनी कर रही है कि इसी खामोशी से तोड़ भी दे।